प्रीत कौर भुखड़ताल से बैठे माता जगदीश कौर जी नाल उस समय पूरी हाजरी भरते रहे। उस तो बाद इकबाल सिंह जी पट्टी 22 दिन की भुख हड़ताल जो खत्म हुई और सिर्फ यह फैसला किया गया कि यह लड़ाई असी लड़नी है और लड़ाई जितनी है। उसी देखते हुए जो जनरल हाउस के मैं समझना 29 साल एक ऐसा इतिहासिक फैसला लिता गया। हालांकि बहुत पहले सरकार को बेनती करते रहे, गुरुद्वारा कमेटी से दूसरा भी प्रधान आए, कमेटियां आई और सारी दिल्ली की सिख संगत उन्होंने मूँह वाल तकती रही कि कदों एक यादगार और शहीदों के प्रति वो बनाई जाए ताकि जो साढ़े दंगा पीड़ित ने जिन्हें घर तबाह हो गए उन्होंने जख्मों को मरहम पट्टी लाई जाए। पर किसी ने उस पास ध्यान नहीं दिता और जो जनरल हाउस से फैसला लिता गया उस उत्ते सारे सिंह सभावां दे मोहर लाने वास्ते अज उचेचे तौर पर तुहानू सारयां नू बेनती करन वास्ते अज इत्थे बुलाया। प्रीत कौर उत्थे भुख हड़ताल ते बैठी माता जगदीश कौर जी नाल उस समय पूरी हाजरी भरते रहे। उस तो बाद इकबाल सिंह जी पट्टी 22 दिन की भुख हड़ताल जो खत्म हुई और सिर्फ यही फैसला किया गया कि यह लड़ाई असी लड़नी है और लड़ाई जितनी है। उसी देखते हुए जो जनरल हाउस के मैं समझना 29 साल एक ऐसा इतिहासिक फैसला लिता गया। हालांकि बहुत पहले सरकार को बेनती करते रहे, गुरुद्वारा कमेटी से दूसरा भी प्रधान आए, कमेटियां आई और सारी दिल्ली की सिख संगत उन्होंने मूँह वाल तकती रही कि कदों एक यादगार और शहीदों के प्रति वो बनाई जाए ताकि जो साढ़े दंगा पीड़ित ने जिन्हों के घर तबाह हो गए उन्होंने जख्मों को मरहम पट्टी लाई जाए। पर किसी ने उस पास ध्यान नहीं दिता और जो जनरल हाउस से फैसला लिता गया उस उत्ते सारे सिंह सभावां दे मोहर लाने वास्ते अज उचेचे तौर पर तुहानू सारयां नू बेनती करन वास्ते अज इत्थे बुलाया।